हेलो गाइस, तो आगे हमें एक और नई गेम अपने वीडियो के साथ। तो आज हम दोबारा से खेलने आएंगे पॉन्ग वंग, और ये ही इस गेम प्ले सीरीज का एपिसोड 4। तो आज हमारे पास दो बड़े मिशन, तो आज हमें जाना है रेन सिंडिकेट टावर में और वहां जाके वहां के बॉस को मारना है। अगर मैं वहां के बॉस को नहीं मार पाया तो मैं जाऊँगा कोई सा भी एक बढ़िया पोकेमॉन पकड़ने, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूर मार पाऊँ। तो अभी मुझे बनाना है हाई क्वालिटी वर्कमैन, तो उसके लिए चाहिए मुझे थोड़ा और। तो देखते हो मेरे पास कितना और है, उसको कोई मैंटेन करने के लिए डाल देता हूँ। कमी पड़ेगी तो और जाऊँगा गंगाने। अभी तो बैग भी भरा हुआ है, तो देखते हो मेरे पास कितना इंगट बनने के लिए है। तो मैक्स 4 बनने का, शायद 4 से तो नहीं होगा, तो इसको मंगा देता हूँ बनने के। तब तक मैं अपने बैग से सामान निकाल के इसमें रखता हूँ। तो बैग खाली करेंगे, अपने पॉन्ग्स को भी खाना खिला दिया है। तब फॉक्स पार्क को छोड़ देता हूँ ये यहाँ पर, तब तक ये पकाएगा जाके। तो ये तब तक पकाएगा जब तक मैं जाता हूँ और तोड़ के आता हूँ। इतना ज़्यादा नहीं बनेगा शायद, और चाहिए ना, तो उसके लिए वो भी बनाना है। चलो बस टूटने वाला है, बैग भी बढ़ गया, अब दोबारा बैग खंग करना पड़ेगा शायद। चलता हूँ मैं दोबारा, टाइम लगेगा अब तो जाने में, बहुत दिन हो गए कैरेक्टर। तो मैं आ गया हूँ, ये तो अभी तक पक ही रहा है, पूरा पका भी नहीं, बस तक पकने वाला पूरा इंगट। ये बंदा तब तक करगा जब तक मैं देखता हूँ कुछ और है काम, तो तब तक मैं वो करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँ, तब तक वो काम कर रहा है। ये बैरीज तो इसमें अभी 24 है मेरे पास, इसमें 34 है शायद। तो अभी मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, तब तक वो करगा। तो मैं क्या करूँ, ये बैटरी जिसमें रख दिया तब तक। अरे ये, अरे नहीं, अरे यार फॉक्स पा ने उसे मार दिया। शट मैन, अरे यार फॉक्स पा को भी मार दिया, जा मार उसे। अरे हाँ ये सही तरीका है, हम उसे अपने बेस पे लड़ाई करवा के पकड़ भी सकते हैं। और इसने सबको मार दिया भाई, शायद इसने एक शॉट में ही सबको मार दिया। मैं एक पोकेमॉन अभी ज़िंदा नहीं है यार, इस बंदे ने सबको मार दिया। अरे नहीं यार, पर मारना भाई क्या करगा यार, हमने ये बॉस पोकेमॉन पकड़ खाया है तो किसी काम का नहीं है। इसके लिए हमें कोई ताकतवर पोकेमॉन आज पकड़ नहीं होगा। तो गाइस आज मैं ज़रूर एक नई ताकतवर पोकेमॉन पकड़ूंगा, चाहे मैं उसे पकड़ पाऊँ नहीं पकड़ पाऊँ रेन सिंडिकेट टावर को। अरे यार इसे बहुत कम टाइमिंग लग गया, 3-3 ग्राम इससे क्या ही हो जाएगा। अब मैं गया यार, इसका बहुत ताकतवर है। अरे आग और लग गया यार, शेट यार आग और लग गया, अब तो मैं पक्का ही मर जाऊँगा। अरे यार उसने उसको मार दिया ना फॉक्स पान, इसमें मर गया। तो दोबारा आ चुका हूँ मैं यहीं पे, मैं सारे पोकेमॉन मर गया यार, इन्हें अब दोबारा इसमें रख देता हूँ। अरे यार सारे पोकेमॉन मर गए यार, उसने एक ही शॉट में शायद सबको मार दिया। मतलब ताकतवर तो बहुत है वो, एक ही शॉट में उसने सारे पोकेमॉन को मार दिया। मेरे मैं देखा था साइड में सबकी एक तो एक इसकी एक वक्त पर सबका HP फुल था, वैसे एक ही शॉट जैसे उसने मारा सबके HP डाउन होगी। मैं ये काम कैसे करेंगे HP डाउन में भी, ये देखो ये विक्सी काम कर गई थी अभी भी डाउन। तो जगह सारे पकवान रख दिए, जो काम के पकवान वो भी ले लिए। अब मैं इसको भी रख देता हूँ इसमें, और हॉकेट्स को भी रख देता हूँ। अब इन सबको बाद में निकालूंगा जब वो जिंदा हो जाएंगे ना, तब अपना सामान भी वापस ले लेता हूँ। मेरे पास क्या एक BMA इनक्यूबेटर भी बना सकता हूँ, बस मुझे एक बॉस पोकेमॉन को मारना पड़ेगा। तो मैं सोचा गाइस नेक्स्ट एपिसोड में मैं जाऊँगा चिंगेट पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे कुछ ही बहुत। हाँ गाइस ये विक्सी है ना, ये हमें ऊन भी देती है और 3 चीज़ और देती है। एक तो ये यहाँ पे रेंट पे ऊन के बजाय, एक तो ये पॉन्ग बनाती है हमारे लिए पॉन्ग्स पे, और एडो और कॉइन भी बनाती है। कॉइन कैसा बनाती है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, कॉइन भी हमें देती है ये विक्सी, ये सबसे ज़्यादा काम की है वो। तो अभी मैंने ये बना गया रिपेयर किट अपने रेंच को रिपेयर करने के लिए, वो भी ख़राब हो जाता पता नहीं कैसे। तो बन गया है रिपेयर किट, अब जाता हूँ मैं अपने रेंच को ठीक करने के लिए। यहाँ पे ये क्या है, 3 बो, हाँ मैंने ये अनलॉक किया था ना, मैं तो भूल गया, तो इसको ही बनाएंगे तो यहाँ बहुत टाइम लग रहा है। आखिरकार बन गया इतने देर के बाद, तो बन गया कैटी का पोटिस्ट 3 बो। तो ये 3 बो मैं कहता हूँ इसे रख देता हूँ वन वाले बो को, है ना। तो इसके साथ हम 3 एरो एक साथ फेंक सकते हैं इस बो के साथ, इसके साथ एक फेंकते थे ना इसके साथ। अब तो एरो की भी कमी नहीं पड़ेगी, विक्सी बनाई देती है एरो फ्री में मिल जाता है बिना किसी
आम के, टायरों की तो अब दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। इसे रख देता हूँ उसमें, और नोटबुक को भी रख देता हूँ उसी में, तो स्टोन अपने पास रख लेता हूँ ना। मुझे फ्नेम ऑर्गन चाहिए अपने ये ठीक करने के लिए, बेस्ट अपने कपड़े ठीक करने के लिए। मेरे पास ये फ्नेम ऑर्गन नहीं है, मुझे फ्नेम वाला किसी पोकेमोन को पकड़ना पड़ेगा। अब ये जगदीश ने एक और बना दिया, तो ये उठा गए तो यहाँ से पैंक्स फे एक और बना दे बड़े जल्दी। पैंक्स फे तो कम से कम आप कमी नहीं पड़ेगी, तो चंगा इसे रिपेयर कर देता हूँ। अब बस रिपेयर हो ही गया, उसमें रिपेयर करने का आया था इसलिए मैं रिपेयर कर रहा था, बात कि मैं रिपेयर नहीं करता नहीं आता था यार। मैंने ये बाथ टब बनाया कोई तो यूज़ ही नहीं कर रहा यार इसे, पता नहीं क्यों। इतनी मेहनत से मैंने ये पैंक वो ढूंढ के आया, पैंक का फूड, और इसको मैं बनाया इतनी मेहनत से, किसी ने यूज़ ही नहीं किया अभी तक यार। मैं ज़रूर बताना है कैसे यूज़ करेंगे, पैंक यूज़ नहीं कर रहा यार, जबकि अंदर ही है अभी इसके। लगता है मुझे यहाँ हटा के कहीं और रखना पड़ेगा इसे पास में, पैंक्स के कोई यूज ही नहीं कर रहा पता नहीं क्यों। मैंने यहाँ पे इंगाते ही बना देंगे, तो यहाँ पे मुझे और इंगट चाहिए बनाने के लिए, तो मुझे थोड़ा और तोड़ के आने पड़ेंगे। 25 चाहिए शायद टोटल, हाँ 25 टोटल इंगट चाहिए, तो इसे तब तक छोड़ देता हूँ। मेरे पास कुछ है काम का पोकेमॉन, तो फॉक्स पा को शायद, हाँ फॉक्स पा उठाने, तो पता नहीं दूसरा फॉक्स पा जो बेस पे वो पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे खा के बैठा हुआ है बस। तो मैं यहाँ से एक फॉक्स पा उठा लेता हूँ जो हमारे लिए काम करेगा, वो भी हमारे लिए काम करता हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है वो। तो मैं टेंजी उठा लेता हूँ, टेंजी मैंने सुना अच्छा पोकेमॉन तो है, अगर इसका वो सैडंग जैसा कुछ बना लिया जाए जिससे ये आपके ऊपर चढ़ जाता है, और वो विक्सी जैसा एक होगा क्या कर रहा है ये। अरे तो इस पर काम कर भैया, उस पर काम मत कर, तो इस पर काम कर। हाँ ये कितने और बन जाएंगे, 5 और बन जाएंगे ना, मुझे और चाहिए मगर शायद। इस पर काम कर यार, ये देखना क्या कर रहा है ये, पता नहीं क्या कर रहा है इस पर क्यों मार रहा है यार। तो ये इस पर फ्लेम नहीं फेंकना, दूसरा आगे पर फेंकना है यार। यार क्या बेवकूफ़ है ये तो बन भी नहीं रहा, तो बना जाओ उसे यार। ये क्या कर रहा भाई ये, पता नहीं गाइस क्या कर रहा है ये, पता नहीं क्या कर रहा। उसको जाके दूसरे को बनाना। अरे ओ हो, ये इसे मांग बंग कुमार का था पता नहीं क्यों ये, वही तो सोचिए कर क्या रही है, इधर जाके बना। अबे क्या कर रही है, सब उधर भग गए यार, बे कोई बेस पे नहीं है, ये क्या हो रहा है उधर। दोबारा तो किसी से गाय नहीं गएगी ना, इसे पे वापस मंगा तो। अरे भाई एक नैम्बोंग को मारने के चक्कर में, ये देखना ये एक नैम्बोंग को मारने के चक्कर में सारे बेस पे उधर चले गए यार। माना कि भाईचारा है, मगर एक छोटे से नैम्बोंग को मारने के चक्कर में सारे उधर चले गए, ये कैसी बात हुई। बना यार तू इसे बना गया, तू इसे बना, वो तो भाग गया पता नहीं उसे हंगर पर क्या हंग तो इधर उधर पर हंगर आया था यार। छोड़ो यार आ गया मैं दोबारा ये तोड़ने, तभी तो बस टूटने का आगे है तब, और जरूरत थी इसमें आ गया था भाई। पैंक टीमिंग इज हंगरी, तो अभी खंगा दूंगा खाना भी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यार ये बिना बात के काम करते रहते हैं ना। अभी देखते हो और कितना बन पाएगा, 3 और बन गए तो बना देता हूँ 3 और। आप ना इसे यार ये हथ हुई थी देख पर भाग गया था, तो रात हो गई तो सोने जाता हूँ यार। बेड भी रिपेयर करना है अभी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, तो अभी आज हमें बहुत सारा काम और करना है कि मैं नेक्स्ट की काम करने के बाद जा सकूँ रेन सिंडिकेट टावर को इसे मारने के लिए। तो ये कितना हो गया, 3 और बन गए है ना। तो मैं नेक्स्ट में दो चीज़ बनाना है, दो तरीके का वर्क बेंच बनाना था, एक तो मैं बना सकता हूँ और दूसरा मैं अभी नहीं बना सकता, एक दूसरा नेक्स्ट में बनेगा। और की जरूरत थी तो और मैं और लेने आ गया हूँ यहाँ पे, 9 और होंगे मैंने। अरे आप फिर देंगे, आ गया मैं दोबारा वापस, तो यहाँ पे इंगर देखते हो कितना बन पाएगा, 6 बन रहा है, फिर संगा देता हूँ बनाने के लिए, वाके बना देगा। तो इनफ मटेरियल हो चुका है, अभी हमें बना देता हूँ ये वर्क बेंच। पता नहीं किस काम का है, सामने तो एक वर्क बेंच है, तो एक्स्ट्रा वर्क बेंच बनाने क्या जोगा, तो दो दो तरह के वर्क बेंच भी हुआ इसमें, मिशन है इसमें बनाना तो पड़ेगा ही, वरना बेस अपग्रेड नहीं होगा। जब तक एवक भी अपग्रेड करना, ताकि मेरे पोकेमॉन भी अपग्रेड हो, मेरे जो बड़े बड़े पोकेमॉन हैं ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी जो ज़्यादा एवक के हैं वो मैं वो जैसे कम एवक के हो गए। तो आज मुझे ज़्यादा एवक का कोई पोकेमॉन भी पकड़ना है जो मेरे काम आए पोकेमॉन पकड़ने के लिए। तो अभी मैं ये देखता हूँ कितना बना दिया, अरे बहुत बना दिया यार, ये तो बहुत काम किया विक्सी और ये एक और जो भी है सब पे बहुत काम किया यार।
बहुत सही बना दिया, एरो वेरो पॉइंट वॉइंट पैंक्स फेयर सब बना दिए उन्होंने, तो ये तो भाई काम के। तो चलो गाइस चलता हूँ मैं अब ये गेन सिंडिकेट टावर पे। तो कहाँ ये रहा गेन सिंडिकेट, काय का है तो इनमें से है गेन सिंडिकेट टावर, ये रहा गेन सिंडिकेट टावर। चलो गाइस चलता हूँ मैं गेन सिंडिकेट टावर पे, तो आज मैं उसको मार के ही कहूँगा, बड़े ही पकड़ ना पाऊँ, कोशिश करूँगा मैं पूरा मार सकूँ मैं बस। मगर अब यार मेरे पास बात ऐसी है ना, मेरे पास अच्छे कोई पकवान है नहीं जो उसे मार सके अभी भी। गेन सिंडिकेट टावर पर मैं मारने जा तो रहा हूँ, मेरे पास में कोई अच्छा पकवान नहीं। हाँ मैंने इसका भी सैडक बनाया था, पता नहीं मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा इस पर। यार ये जा रहे उसको मारने, फिर देखना मुझे ना ये खतरनाक भी मिले हैं, ये मुझे 22-22 के दिखे थे, ये थग भी इतने इतने हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था वो 22-22 के थग दिखे थे मुझे। यार मैंने इस पर बैठ क्यों नहीं पा रहा, मैं इसका बनाया था मैंने सैडक, पता नहीं क्यों नहीं बैठ क्यों नहीं पा रहा मैं इस पर। अरे यार कहाँ भाग रहा है यार, तुझे स्टोन तो देने को निकाबड़ो। अरे यार इसमें बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार, बताना तुम कैसे बैठ सकते हैं इस पे यार, इसमें बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। छोड़ो यार, तंग तक मैं गेंद सिंडिकेट टावर पे लगे, EPHP दो चंगा सही है। तो ये रहा गेंद सिंडिकेट टावर, चलता हूँ गेंद सिंडिकेट टावर पे। यार कोई ज़्यादा वो मुश्किल ना हो बस, उसका अच्छा पोकेमॉन भी नहीं है। तो एंटर होम बिगन बॉस बैटल, तो चलो एक्स होम करना था, आ गया मंदिर। तो स्टार्ट हो चुका है ये, अभी तो आसमान दिख रहा है, ये क्या है। अच्छा आ गए, ओहो ये पोकेमॉन है, अच्छा ये है और ये है उसकी ट्रेनर। ये तो वो ऐसा है ना गाइस जो पोकेमॉन में जिम होता है, जो पोकेमॉन में जिम होता है ना, जो ऐश जाता है जिम में बैज लेके के आता है, तो वैसा ही है। इसमें हमें बैज नहीं मिलेगा, हम पोकेमॉन जरूर पकड़ सकते हैं हम जिम में आके, जिम में आके हम पोकेमॉन ट्रेनर का ही पोकेमॉन पकड़ सकते हैं यार। तो ये रहा जोई एंड ग्रिसबोंड, तो आज देखते हो मैं इसे मार पाता हूँ या नहीं इस ग्रिसबोंड को। अरे 10,000 HP इसकी, तो 10,000 नहीं 30,000 से ज़्यादा HP इसकी, पता नहीं मैं मार पाऊँगा नहीं मार पाऊँगा यार। 30,000 HP भाई मार नहीं, भाग क्यों रहा है यार। अरे यार पोकेमॉन पता नहीं गाइस मार ही नहीं रहे इसको यार, मार ना भैया मैं मर जाऊँगा यार। अरे यार ये मार क्यों नहीं रहे, मेरी HP भी डाउन होगी यार बहुत, पता नहीं यार इसे मार ही नहीं रहे। मार ना ब्रो ये तो खुद मर जाएगा वरना। अरे यार किस बात का बॉस, पोकेमॉन पकड़ के आया मैं टट्टी सा, ये तो मार ही नहीं रहा इसे, इसकी HP और कम हो गई। अरे मार अरे भाई क्या है इसमें, मार क्यों ना रहा उसे, ये मार दे भैये। तो गाइस दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा, वो तो मार नहीं गई इसे। फॉक्स पर तू मार सकता है भाई, कमांड नहीं दे रखी क्या मैंने। अरे यार मैं बेवकूफ़ी हूँ, कमांड शायद नहीं दे रखी मैंने, अब मारेगा ना मार ये 188। अरे यार ऐसा तो कभी ना मरेगा फिर, कुछ ज़्यादा ज़्यादा का मारो यार। गाइस कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं है यार, मैं समझ गया, मेरे पास कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं है, मैं अभी इसे नहीं मार पाऊँगा, मैं समझ गया हूँ ये बात, तो मैं समझ गया यार मैं अभी नहीं मार पाऊँगा इसे। जा फॉक्स पर मर मत जियो। ठीक है मैं इसे भेजता हूँ अभी इसको, फ्रीज कर दे। जमा के भी तो इसे मार ही सकते हैं, जमा दे इसे। कहाँ है भैये मारना, अरे मैं भागते भागते मैं और मर जाऊँगा, मैं ये मुझे और मार गया, मैं HP वैसे कम है और ये पता नहीं मैं पोकेमॉन से इसे मार ही नहीं रहे। अरे भाई क्या है पोकेमॉन भैया मारने उसे। अरे यार ये और पिट गया यार, ये छोटे छोटे पोकेमॉन है ना, ये बड़ा पोकेमॉन लाना चाहिए था मुझे यार। चलो जमा के मार यार, क्या कर रहा है आप, मार इसे मार इसे। 504 का है ऐसी मार ना, 500 डैमेज हो रहा है इसे, इसकी ऐसी की तैसी 500 डैमेज हो रहा। अरे यार नहीं मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। अरे यार मैं और मर जाऊँगा, ये मरे ना मरे मैं जरूर मर जाऊँगा यार ऐसे होगा तो। मैं इसे भेजता हूँ दोबारा, फॉक्स पा को ऐसे जगा देगा, जगा के मारे से। अरे नहीं यार देखो एक 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 शॉट में मार दे इसे। अब किसे भेजूँ, ये भी मर चुका, पैंकिंग गेट भी मर चुका है,
इस हंगामा को भेज के देखते हो ये कैसा पकड़ूंगा। नहीं जी साथ में नहीं तो आया मैं, कैसा देखा नहीं अभी तक मैंने। माँ ना कुछ जादू मंत्र दुआ कंगन पे करो माँ से, 167 सही तो है, ऐसे मारते रहे यार। इसे खोज 300 का डैमेज पकड़ा है, ये तो किसी काम का नहीं है। ये बॉस पकमन के भेजता हूँ, मार तू है बॉस, तू इसे मारेगा, तू है यहाँ का बॉस, मार तो मारना। 6791 का नहीं यार, कुछ अच्छा मार, 200-300 का उसके तो एच पी कम है। इसको ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, उसे रिलीज बॉम को हम ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं, पता नहीं देख नहीं रहा। अच्छा इससे ज़्यादा तो मैं डैमेज दे रहा हूँ, 30-30 के 3-3 मार रहे हैं। तो इसके एच पी भी अभी भी इसके एच पी 20,000 से ज़्यादा है, 5 मिनट बचा नहीं मर पाएगा। अभी तक हमें इसके 15,000 एच पी छोड़नी थी, हमने 20,000 छोड़ दिया, 30,000 थी तो कम से कम आधे तक कम कर देना चाहिए था हमें। ये कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, देखो बॉस पकवान भी मर गया हमारा, अब तो मैं हार गया। बस दो पकवान बच रखे हैं, एक है अशोर, पता नहीं कुछ कर पाएगा नहीं, एक पंगामा से टट्टी पोगी मार, तो अशोर भी मर ही जाएगा, मैं भी मरने वाला हूँ। अरे नहीं यार माँ यार अशोर का अटैक हैंगे इफेक्टिव है, तो हैंगे इफेक्टिव है तो मार क्यों नहीं गई अशोर, दिखते हुआ अशोर हैंगे इफेक्टिव है इसके ऊपर, मुझे मार ही नहीं है पता नहीं क्यों। तो मुझे खाना खाना चाहिए, मेरे कम बहुत कम है, मैं उसे भी खिला देता हूँ। यार कोई ज़्यादा गैबन का है नहीं ना, इतनी यही बात है, मार नहीं पा रहा कोई से, ऐसी मार ऐसी 168 का मिनिमम ऐसी मार ना, देख चक्कर खा के गिर गया वो। मैं भाई वो क्या ही मारा यार, ये पॉकमन हमें मिल गया ना, हम बहुत बड़े से बड़ा पॉकमन कर सकते हैं, क्योंकि तो इसकी एच पी है 30,000। अरे मार दे भैया, अरे यार ये भी मर जाएगा वैसे तो, हाई ग्राउंड टाइप है ना कशौर, तो कशौर पे इसके इलेक्ट्रिक टाइप का तो असर होगा नहीं ना, तो मार क्यों नहीं रहा फिर भाई। कशौर भी मर चुका है, मैं सोचा था वो ग्राउंड टाइप पर मार देगा इसे, अब मेरा भी 4 HP बचा हुआ है, वही मर ही जाऊँगा यार भाई। एक भी उसने मार दिया मैं गया, एक भी मार दिया मैं मर जाऊँगा, मर गया मर गया मर गया, बच गया मर गया बच गया, नहीं नहीं बस मैं 50 HP यार, मैं ऐसे तो मर जाऊँगा। अरे मर गया, तो गाइस मैं जा रहा हूँ अच्छा पकड़ पकड़ेंगे इसे, अभी नहीं पकड़ूंगा यार मैं, तो आगे मैं अपने बेस पर वापस यार, बहुत गंदी तरह भी पिटा हुआ ये मैंग पका, कितना टट्टी पकमन यार इस मैंग पका, सबसे ज़्यादा टट्टी पकमन है मैंग पका, मजाक सेट के यार बहुत ज़्यादा बेकार पकमन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, आज जाने का अच्छा पकमन पकड़ने किसी नई जगह पे, तो आज हम जाएंगे किसी नई जगह की खोज करने। तो पहले जाता हूँ मैं अपना सामान लेके आता हूँ, ये है ग्रीन सिंडिकेट टावर, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, आऊँगा तो मैं यहाँ पे दोबारा इसे मारने के लिए। अभी जंगता हूँ मैं वापस, कोई बात नहीं, आज हार गया हार गया, नेक्स्ट टाइम जरूर मारूँगा। अरे सामने ये है, देखता हूँ सामने कौन सा पकवान इन्होंने बंद कर रखा है, कम से कम एक तो नया पकवान आएगा अपने हाथों में, या कोई अच्छा पकवान मिल गया ना यहाँ पर मजा आ जाएगा। अरे 59% ये तो आ जाएगा, 75 हो गया, ये तो आ ही जाना चाहिए। अरे स्केप कर गया भाई, 79% था उसका कैप्चिंग रेट, ये कैसा पोकेमोन है। अरे तो मछली है, अरे बिना पानी के जिंदा कैसे ये मछली, अरे यार ये मछली बिना पानी के जिंदा कैसे, क्या नाम है इसका, डुमुड बिना, अरे यार मैं पका को मार दिए इन्होंने, ये पकड़ूंगा कैसे, 24% इसके। यार कोई एक तो हाथ में आ गया यार, ये भी हाथ में नहीं आया, ये भी अब मर जाएगा। चल मार डुमुड मार इसे, मार हमें क्या कह रहे छटपट आ रहा है, अरे यार पकड़ूँ कैसे। अरे आगे तो उधर चंगा गम नहीं आएगा, हटा मैं और मर जाऊँगा, वैसे मेरे पास कोई अच्छा पकवान नहीं है, ये डुमुड पता नहीं कैसा पकवान है, मुझे कोई अच्छा पकवान मिल गया डुमुड मिल गया यार, मैं और वापस चलता हूँ मैं बेस पे, इस डुमुड को रख दूँगा बेस पे, देखूँगा डुमुड क्या करता है, मरता तो नहीं है मछली, मछली जैसे यार इसे पानी में रहना चाहिए, पता नहीं कैसा डुमुड पोकेमोन है। डोंट अंडर एस्टिमेट द नेम ऑफ द पोकेमोन, पोकेमोन के नेम से कभी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करते। प्राइज में लगेंगे अपनी पोकेमोन टीम, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये पैंक्स पेंगे ने तो एरो भी चाहिए ना, एरो की ज़रूरत है, ये अच्छा काम कर गया यार, मुझे और एक दो और रेंच बना दूंगा मैं जैसे अपना बेस वो करूँगा ना चेंज, तो
तो एक दो रेंच बनाऊंगा जिससे मुझे और फ़ायदा हो। रेंच से ही मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ देखा जाए तो, क्योंकि रेंच से मुझे चार चार चीज़ मिलते हैं। एक तो ये वोंग बनाते हैं, पैंग स्वे भी बनाते हैं, एरो भी बनाते हैं। तो अब मज़ा आऊँगा यहाँ पर सामने नहीं आगे मैप खोजने के लिए। मैप बहुत कम ही कर रखा मैंने एक्सप्लोर, इसलिए और मैप एक्सप्लोर करना है आगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे और दिख गए यार। मुझे ऐसी किसी जगह पर अपना बेस बनाना है जहाँ पे ओड़ हो, क्योंकि ओड़ है ना हर दिन रिस्पॉन हो जाते हैं। जैसे कहीं पे भी कोई पेड़ लगा हुआ इस गेम में है ना, तो उस पेड़ को दोबारा भी तोड़ दोगे ना तो नेक्स्ट डे वो पेड़ दोबारा उग जाएगा। पेड़ हो कुछ भी हो दोबारा उग जाएगा नेक्स्ट डे। मुझे ऐसी किसी जगह पर बनाना है जहाँ पर ओड़ हो, क्योंकि अभी तक मुझे ओड़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मगर अब से ओड़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर ओड़ हो अच्छे खास से, मगर खुले जगह हो वैसे पे। तो यहाँ से गाइस व्यू तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिख गया है, देखते हैं क्या है। कॉपर की यूज तो हुई है इसमें, मुझे क्या मंगाई है, फेदर हैट कैप का स्कीम। अरे यार ये कैप पे क्या करूँ मैं फेदर कैप का। हाँ हो सकता है कि फेदर कैप से मुझे फॉर्म डैमेज ना पड़े, क्योंकि मैं कहीं से गिरूँ तो वो फेदर की कैप होगी तो हो सकता है मैं फॉर्म डैमेज ना पड़े। तो बना लूँगा, देखूँगा क्या क्या चाहिए। वही फेदर का है तो कपड़ा ही चाहिए होगा, मेरे पास वोंग तो बहुत है मगर। तो स्केमेटिक मिल गया है तो अब बना के भी देखूँगा। तो ये कहा वो ब्रिज जहाँ से हम सामने जा सकते हैं गाइस। यहाँ पर बस ब्रिज पर सामने तो आ गया। यहाँ पर मुझे कोई 30 AK का एनफील्ड गन मिल गया। यहाँ पर ये थग भी है गाइस, क्या थग है ये। अरे भाई साहब 20 AK का एक थग है। अब मैं इनके बीच में पड़ गया, नहीं बहुत मार गया। अरे नहीं, अरे यार एक बार में मेरा पूरा वो क्या कहते हैं, एक बार में मेरा पूरा बोलने के वेस्ट। अरे यार ये तो बहुत ताकतवर थग है। और ये कहा वो 30 AK का एपीड गन, इसका एच पी है कितना एच पी है इसका, 2600 है, 2631। अरे ये क्यों मारा बिना बात का, कोई पोकेमॉन तो नहीं मारते यार इसमें बिना बात का, जैसे मैं उसको नहीं मारूँ तो। वैसे मैं थक मारते ना बिना बात के, एक मारा मुझे भाई मैंने क्या किया यार तुझे। अरे यार नहीं, तो आ गया हूँ मैं दोबारा। ये रहा मेरा सामान। अरे पोकेमॉन तो ये बताओ, पोकेमॉन तो इस वर्ल्ड में बिना बात के मारते नहीं, अगर तुम उन्हें ना मारो तो उसने मुझ पर अटैक किया। इसको मैं पकड़ूंगा किसी दिन नहीं के नेक्स्ट कुछ एपिसोड में मैं इसको ही पकड़ूंगा सबसे पहले। तो सामने चलता हूँ मैं, सामने मुझे एक बेस दिख गया है, वहाँ से कहीं शायद नया पोकेमॉन मिल गया मुझे। नहीं इधर चलता हूँ, इधर की अच्छी जगह है, तो देखता हूँ किधर जाऊँ। ये कौन सा पोकेमॉन है, ये ऊपर भी दिखाता है मुझे, पता नहीं कितने गवन का पोकेमॉन होगा, ये देखता हूँ। तो ये है 17 AK का पोकेमॉन है, इसे तो पकड़ के देखता हूँ। 16 AK का पोकेमॉन है, 16 AK का है, मार दे इसे, मार दे, पूरा मत मारियो है ना, पूरा मत मारियो भाई, पता चंगे तो इसे पूरा मार दे और फिर बात गलत हो जाए यार। मार 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 मार, तेज मार यार, थोड़ा तेज मार, पूरा मत मारियो मुझे। तो इसने इसे बहुत तो मार दिया, अब क्या बंगाल में से वापस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं बस बस थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं मारियो बस आ जा, अब तो आ जाएगा, आ जा वापस नहीं मतलब कि आ जा बंगाल में, आ गया। अरे यार बस आ गया था, अब तो आ जाएगा। अरे उधर से थक और आ रहा यार, जल्दी आ जा भाई, देख मजाक मत करे यार, बहुत कम डैमेज कर दिया मैंने तुझे। अरे यार गाइस ये क्या हो रहा है यार, ये आ ही नहीं गए, वेस्ट वर्क करवा रहा है, थैंक्स फॉर वेस्ट करवा रहा है। मुझे लगता है मुझे मेगा स्प्रे मेरे क्या आना चाहिए था, शायद मैं मेगा स्प्रे भी अनुभव नहीं हुआ शायद, पता नहीं देखा भी नहीं मैंने। अरे यार ये परेशान कर गया यार मुझे। अरे नहीं, मैं एक छोटे पोकेमॉन से मर गया यार। तो आगे मैं वापस अगर हाथ भी हो गया आते आते तो क्या अच्छा पोकेमॉन पकड़ के जाऊंगा मैं यहाँ से। ये कौन सा पोकेमॉन है, अरे यार छोड़ो पोकेमॉन हाँ गाइस यहाँ से छोटे छोटे पोकेमॉन भी यहाँ के हैं ना, इतने खतरनाक है तुम सोच नहीं सकते यार। जैसे वो छोटा सा वहाँ पोकेमॉन मैंने सोचा नहीं था मार देगा वो, उसने कुछ ही शॉट में मेरी इतनी कम एचपी कर दी थी, मगर मैं उसे पकड़ सकता था, मैं उसे मार भी सकता था मैं चाहता तो। अब तक पोकेमॉन निकालेंगे नहीं कि वो उसे मार देगा, उसने तो मुझे ही मार दिया। सामने जाता हूँ मैं, सामने क्या है, कौन सा 18 AK, हाँ
हाँ ये पकड़ना है मुझे, यही 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 पकड़ना है मुझे। ये क्या नाम है इसका? ये तो मस्त मुकुमन दिख रहा है, 22 रंग का है ये। इसका नाम है रॉबिन क्विन। यही पकड़ना है मुझे, यही 1% है अभी इसका पकड़ने का रेट। मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैं इसे मार दूँ, है ना, हेड पे मारूंगा, ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, तो मारता हूँ मैं इससे को। मार से ये पकड़ना मुझे, 22 रंग का यार, बस ये मार ना दे हमें, बहुत ताकतवर लग रहा है। तो 22 रंग का है ये पोकेमोन। अरे नहीं, इसने क्या फेंका ये? ये तो बम जैसा फटा, वो तो छोटे छोटे सीड फेंका। अरे मार दिया मेरे पोकेमोन को, ये बिल्कुल कम नहीं है गाइस जो मैंने अभी भेजा था मारने के लिए। ये अभी तक का मेरे तीन अभी तक मेरे जितने भी ताकतवर पोकेमोन है ना, इनमें से एक था ये। अरे वो तो बड़ा ताकतवर पोकेमोन है यार, कुछ ही शॉट में मार दिया। अब लगता है मुझे भागना पड़ेगा, आ तो नहीं रहा पीछे। आ रहा है क्या वहाँ? किसी और से लगा शायद, किसी ने उसकी एचपी आधी कर दी। जा जा जा, तुम आ सकते हो, उसकी एचपी आधी है। अरे नहीं यार, मैं अब वैसे एक खा गई एक शॉट में। अरे कोई दो और नए पोकेमोन आ गए भाई, ये क्या ही पोकेमोन है। आ जा आ जा आ जा आ जा, एक भी आ जा, एक भी आ जा। अबे यार, रॉबिन क्वीन की भी एचपी आधी थी यार, मैं पकड़ सकता था यार उसे, अगर मैं छुप जाता तो। शेट यार, तो आ गया मैं दोबारा, और ये रहा मेरा सामान। अरे यार मैं पकड़ सकता था, जब मैं छुप जाता ना, मैं अगर वेट करता कि वो क्या कहते तो वो उसको एचपी और कम हो जाए। वो दो थे, वो इसके एचपी कम कर सकते रॉबिन क्वीन के, जिसके भी 3 में से एचपी कम होती है, मैं पकड़ सकता था उसे। अरे यार मैं बेवकूफ़ यार, मैंने पकड़ा नहीं यार उसे। शेट यार, कोई बात नहीं गाइस, आज हम उसे ही पकड़ेंगे। तो आज हमारा मिशन है, आज हमें रॉबिन क्वीन को ही पकड़ना है। तो मेन मिशन होगा आज हमारा रॉबिन क्वीन को पकड़ने का। अरे यार ये थक और दिमाग खराब कर, जा मारे से, अभी से भेजता हूँ, जा मारे से। कितने का मंगा थके? कितने 20 रंग का थक यार, ये तो बहुत ताकतवर है, क्या मैं मार भी पाऊंगा इसे 20 रंग का थक को? एक एक डैमेज पड़ गया मैं मार रहा हूँ तो यार, ये तो बहुत ताकतवर थक बन गया है। मैं पकड़ तो नहीं पाऊंगा शायद इसे, क्योंकि उसके शायद मेगा स्प्रे चाहिए होगा। हाँ उसके लिए भी शायद मेगा स्प्रे चाहिए होगा, रॉबिन क्वीन को पकड़ लेंगे। मैं पास तो अभी मेगा स्प्रे है ही नहीं, इससे पकड़ने की कोशिश करूँगा। और ये यार, ये पंछी बीच में और आ गया यार, इस ये पंछी और दिमाग ख़राब कर रहा है। आधी एचपी तो कर दी मैंने इसकी, ये पक क्या मैं ये पकड़ पाऊँगा इस थंग को, यही देखना है बस। यार ये पंछी और दिमाग ख़राब कर रहा है यार मेरा भी, ये और दिमाग ख़राब कर रहा है पंछी। आ गया और मार गया थक उधर से, यानी कौन से करने उसके पास। अरे यार ये पंछी तेरी, तेरा दिमाग ख़राब कर रहा है यार ये पंछी। तो ये रहा वो थक, कितनी एच पी होगी इसकी? कम है कम है कम है, मार दे इसे। मैं मुझे भाग मैं लगता है मुझे भागना पड़ेगा यार, वो थक और मार गए, वो भी उषा वहाँ पर मार रहा है। डिफीट फ्री पैंस, तो उसने मार दिया शायद थक को, मैं पोकेमोन ने शायद थक को मार दिया। तो वैसे ही मैं भागता तो हूँ, मेरी एचपी कम है यार, वो मार देगा मुझे। तो जाता हूँ मैं दूसरी साइड, तो यहाँ पे एक चेस्ट है, देखता हूँ उसमें क्या है। मेरे पास थी मेगा स्फीयर है ना, मेगा स्फीयर से पकड़ने की कोशिश करूँगा रॉबिन क्वीन को। वाह 22 रंग का पोकेमोन था यार वो, देखता हूँ मैं पकड़ पाता हूँ या नहीं उसे। तो इसमें से मुझे एक मेगा स्फीयर मिलेगा, कुछ पॉइंट नहीं है। तो आगे हूँ मैं आगे, यहाँ पे हम मुझे मिल चुका है फास्ट ट्रैवल, इसे हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे ये रहा रॉबिन क्वीन, दोबारा दिख के दोबारा दिख गया। अरे मैंने तो अभी से मारा भी नहीं, अरे बिना बात का मारेगा, बिना बात का मारेगा। अबे भाई बहुत ज़्यादा कम डैमेज कर दिया। अरे नहीं यार, देखा गाइस मैं इसी को पकड़ना है आज, मुझे इसी को पकड़ना है। आगे मैं वापस, और उसने आगे मुझे कुछ ही शॉट में मार दिया था यार, हट यार, खोची शॉट में मार दिया उसने मुझे। चलो मैं आर्मर तो वापस मिल गया मुझे, आर्मर डैमेज है मगर यार। देखता हूँ कहाँ गया वो रॉबिन क्वीन का बच्चा, बच्चा नहीं बड़ा था वो। अरे यार ये आओ दिमाग ख़राब कर गए हमारे से। अरे यार ये क्या पता नहीं फ्री अंगाइंस पंगाइंस की ऐसे की तैसी, ये कमी ने सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते। देखो तो गाइस मैं वहाँ से भाग के थोड़ा आगे आ चुका हूँ, ये दोबारा दिखाया मुझे रॉबिन क्वीन, इसे पकड़ना है बस मुझे। ए इधर 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 इधर, मर मर मर, आग लग जा, आग लगेगा तो ज़्यादा डैमेज पड़ेगा इसे। अरे यार पीछे से ये कहाँ से आ गया? आप कसम से बहुत दिमाग ख़राब कर गई है मेरा। अरे यार कोई कोई मारे ना मारे, ये ज़रूर मारते यार मुझे।
मैं पोकेमोन और मर जाएगा वहाँ पर, तीन वो मर गया यार, 3 मिनट का मार के मर जाएगा। तो ये अबे यार ये पीछे करते करते इधर भी आ गया मेरे, मैं तो भाग गया था वहाँ से। अरे यार आज मैं लगता है दोबारा मर जाऊँगा यार, पता ही था मैं मर जाऊँगा यार, 3 थे वो तो आ गया मैं दोबारा। ये रहा मेरा आर्मर भी मिल गया मुझे वापस, आर्मर डैमेज है यार। मैं सोच रहा हूँ मैं सामने जा कर देखती हूँ ना, सामने देखो सामने लगता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक और ये मिल चुका है फास्ट ट्रैवलिंग से अनलॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ पोकेमोन नहीं मर गए आपस में, मैंने पेंगुइन को भेजा ये मारे। ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब मेरा इसी ने किया है, उसके बाद उसने तो किया ये थकने दिमाग ख़राब। इसने पंछी है ना जहाँ भी जा रहा हो पीछे आ जा रहा है यार, जहाँ भी जा रहा हो मारने के लिए आ जा रहा है। ये पंछी क्या नाम है इसका पता नहीं, ये बहुत दिमाग ख़राब कर रहा यार ये मेरा। तो यहाँ पर मुझे कहो गया थक का बेस मिल चुका है, और यहाँ पर पता नहीं कौन सा पोकेमोन पकड़ रहा है। अरे यार ये पोकेमोन तो है मेरे पास, अरे यार ये तो इतना अच्छा ही पोकेमोन नहीं है मगर है यार ये मेरे पास। कोई बात नहीं गाइस, फिर ये पोकेमोन मिल रहा है बिना मंगा रहे तो नहीं गए। तो इस ये है विक्सी है, हाँ ये पकड़ गया था ना मैं, ये पोकेमोन ये आ जाएगा 50% है। अरे यार मर गया यार, शेट 50% तब आ जाता। यहाँ पर 2-3 नए मुझे यहाँ पर बहुत सारे नए पोकेमोन दिखे हैं। ये तो मैंने ये दोनों तो देखा था मैंने पीछे, यहाँ पे जब भी दो एक होगा था ना और एक ये दोनों तो देखा था मैंने पीछे। तो क्या ये आ जाएगा, तू हट यार बीच में से, इसे पकड़ना ये शायद नहीं आते, ये अंगाइन से होगा ना शायद, इन्हें नहीं पकड़ सकते क्योंकि इन्हें पकड़ने का ही नहीं रहा। थग को पकड़ने का आता है, इन्हें इसे पकड़ने का नहीं आ रहा। 28% आ जा आ जा आ जा, 29% आ गए आ गए आ गया। एक बार में आ गया, क्या नाम है इसका, ब्रिस्टर। ये तो शायद अच्छे गांव के पोकेमोन है, कुछ 18-20 गांव के तो ये भी है ये पोकेमोन। तो यहाँ पे मुझे एक और ये मिल चुका है, यहाँ पे एक एग भी है। तो यहाँ पे डार्क एग मिल गया यार, नेक्स्ट टाइम मैं लाऊँगा मैं एग इनक्यूबेटर से एग इनक्यूबेट कर सकूँ। यहाँ पे भी अच्छे खासे ओड हैं, बहुत सारे ओड हैं इधर, मैं इधर बेस फ्लैट नहीं है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ थोड़ा आगे, यहाँ से चलता हूँ नीचे, सामने जाऊँगा ना सामने, कोई नया पोकेमोन ही दिख जाए। अरे नहीं 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 मरना नहीं, अरे यार नहीं 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 नहीं, शिट यार मैं ऊपर से गिर के मर गया यार। तो गाइस मैं आ चुका हूँ दोबारा, अरे यार अपने बेवकूफ़ी की वजह से मर गया गिर के। वैसे मेरा आर्मर डैमेज था, पता नहीं क्या हुआ आर्मर का। तो देख तो गाइस मुझे दोबारा दिख चुका है गोबिन क्वीन, तो इसे पकड़ना है मुझे। तो आज मैं इसे पकड़ के रहूँगा कुछ भी क्यों ना हो जाए, मार इसे मार मार, शायद अटक गया एक जगह, मार 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 मार, अरे नहीं अटका यार। मैंने देखा है कई बार पोकेमोन अटक जाते हैं एक जगह से, कितने भी ताकत हो पोकेमोन और कहीं पे भी एक जगह अटक गए ना, गेम हैंग हो जाता है उनके ऊपर, तब मस्त। अरे यार नहीं, इसका यही बहुत ताकत हो गई मूव। आ चुका हूँ मैं दोबारा, पता नहीं और मैं ये नया पोकेमोन लेके आ चुका हूँ कि ये मेरी मदद करे उसे मारने के लिए। पता नहीं वो कहाँ हो गया वो पोकेमोन। तो अभी मैं कुछ खाना खा लेता हूँ जब तक वो दिखता है, तो खाएंगे मैंने खाना, दिख चुका है यहीं पे। तो इसे भेजते ब्रिस्टका को, ये मारेगी जा ब्रिस्टका मार। अरे यार मैं कैसे पहले से नहीं पकड़ पा रहा मैं उसे, जा ब्रिस्टका मार। अरे यार ये क्या है ये पंछी, इसकी ऐसे की तैसी जगह जहाँ भी आते पीछे आ जाता है ये, बट मार मार। अरे यार ऐसा भी इस पंछी को जैसे हुआ है गाइस, मैं जहाँ जा रहा हूँ ये वहाँ पीछे आ रही है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है उसकी वजह से। तो ये मेरे पास सामान मिल गया है, तो खाना और खा लेता हूँ, HP कम है इनका तो फोन है, सबका फोन है। ये ब्रिस्टका का भी फोन है ना, ब्रिस्टका मेरे गैबंग से ज़्यादा गैबंग की है, मैं मेरे गैबंग वो आ गई है वैसे। ये सब पकाएंगे तो ये नया पोकेमोन दिखा है, ये उस वक्त भी दिखा था सुबह गैबंग का। ये ब्रिस्टका मार 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 मार, ये तो पूरा मत मार, ये पूरा मत मार। अरे यार ये कौन मारा पीछे से, अरे यार ये पंछी गाइस कसम से यार ये दिमाग ख़राब कर गया ये पंछी मेरा, बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आके मुझे मारा, पता नहीं क्यों पर पर्सनल दुश्मनी है शायद इसकी मुझसे। मैं जहाँ जा रहा हूँ ये वहाँ आ जा रहा है मुझे मारने के लिए। मैं HP का मुझे भाग नहीं पड़ेगा कुछ भी हो जाए, सामने भागता हूँ इधर भागता हूँ। तो मैं आ गया हूँ उनसे बच के आगे,
यहाँ पे तो फ्री है गाइन से यार, इधर जाऊँगा तो ये बहुत मारेंगे मुझे। दूसरी तरफ जाता हूँ, दूसरी तरफ फिर हो जाता हूँ, ऊपर की तरफ जाकर देखता हूँ, है ना। तो आ गया हूँ मैं ऊपर, यहाँ पे एक और ये है थग का बेस। ये वही पोकेमोन जो मेरे पास है, ये तो ताकतवर है, इसे छुड़ा देता हूँ ना। ये काम की पोकेमोन है ना, ऐसे पोकेमोन देंगे जो ताकतवर हो। ये कितने गेम की पोकेमोन होगी, ये भी अच्छे खासे गेम की होगी शायद। मेरे पास दो ब्रिस्टिंग हो चुकी है, तो अब देखता हूँ सामने को अच्छा पोकेमोन मिल जाए, ऐसे पोकेमोन बंधा वो भी मिल जाए ना, मज़ा जाएगा। रॉबिन क्विंग भी ऐसे मिल जाए। तो सामने मुझे एक रॉबिन क्विंग दिख गया, मगर ये यार पीछे है ना वो है थग। तो ये थग मारेंगे तो मैं उसे मार नहीं पाऊँगा, मुझे भाग नहीं पड़ेगा ऐसे। मैप में देखता हूँ सामने किधर जाना, इधर जाना मुझे, तो मुझे जाना है इस साइड, तो इस साइड चलता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे बटरफ्लाई भी नहीं है मेरे पास, मैं पकड़ सकता हूँ। सामने एक एग दिखा है, एक एग, एग उठा लेता हूँ ना, सामने से काम आएगा जब एग इनक्यूबेटर बनाऊँगा। तो कम से कम ऐसे ही नई पोकेमोन बन जाए, मुझे मज़ा आ जाएगा। तो ये रहा वो नया एग, तो कोई वैसा लग रहा है फाप पोकेमोन का एग लग रहा है कोई सा, क्योंकि गैड का है ना, गैड हो नहीं है। तो ये है स्क्रोचिंग एग, ये कैसा है स्क्रोचिंग? सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इसी करूँगा, स्क्रोचिंग या डार्क एग को ही सबसे पहले करूँगा फाइट गाइस। अरे ये रहा रॉबिन क्विंग का, और इसे पकड़ लूँगा मैं, इसे कुछ भी हो जाए मैं पकड़ूँगा। स्मोक पैंक सॉन्ग भी मिल गया मुझे, ये कौन सा एग है? ये तो खाने वाला एग है। पहले ऐसे अनलॉक कर देता हूँ कि मर जाऊँ तो दोबारा यहाँ पर आ सकूँ मैं लौट के। इसे मारता हूँ मैं सबसे पहले, इसे करना मुझे कुछ भी हो जाए, मार जा जा, तू ही इसे मार सकती है, तू ही अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकत है पोकेमोन है। अरे तो आइस भी फेंक रही है, ये तो वो है ना ग्राउंड टाइप, ये तो ग्रीन टाइप, ये आइस कैसे फेंक रही है? और जो भी ये मार इसे मार, ये मस्त है यार, ये भी मजाक सट के, ये फ्रिस्टिंग भी मस्त पोकेमोन है। मार 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 मार, जो भी कहो गाइस ये है तो मस्त फ्रिस्टिंग भी। मैं इसके ऊपर डेंजर का, ये मरने वाली, इसका एच पी बहुत कम है यार, मुझे अपना गेवंग हाईएस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि मेरे पोकेमोन्स का भी गेवंग हाई हो जाए यार। ये फ्रिस्टिंग 20 कुछ गेवंग किया, मैं मेरे वजह से इसका 12 है, कि मेरा कम गेवंग है, मुझे कुछ भी करके अपना गेवंग बढ़ाना होगा। मार इसे मार मार मार, अथवा ताकत है मूव मार यार, मेरे पोकेमोन क्या है यार ये, नहीं मैं मर जाऊँगा मर जाऊँगा मर जाऊँगा, भाग भाग मर जाऊँगा मर जाऊँगा। बच गया यार, डॉस तो कर दिया मैंने। इसकी एच पी कम तो हो रही है, मैं बहुत धीमे धीमे कम हो रही है यार। मैं एरा भी पता नहीं उसे लग क्यों नहीं रहा, 8-8 के डैमेज दे रहे, 5-5 के, इससे तो कुछ ना होने लगा। पैंकिंग तुम्हें अब कुछ कर सकता है, तो उससे मुझे उम्मीद है तू मारेगा, तू मारेगा पैंकिंग मार। अरे नहीं यार, तू खुद मत मर जाइयो, अरे नहीं, अब वो मुझे मारा पैंगुइन मार मार, वो मुझे मारा मार मार। यार तू बच मत यार पैंगुइन, तू मार ना, वो मुझे मारा मैं बच रहा हूँ, तू मार। तो अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, अरे यार चूक गया निशाना। तो क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? अरे नहीं यार, इसका तो बहुत कम है पकड़ने का रेट, 1 अभी तक 2% भी नहीं हुआ पकड़ने का रेट। मार पैंगुइन मार मार, अरे यार पैंगुइन मर गया। तब कौन सा नया पोकेमोन भेजूँ मैं इसको मारने के लिए? इसे भेजते हो बॉस पोकेमोन को, तू है बॉस, ये नहीं है बॉस, मारी से बॉस तुम्हारी से। अरे यार मैं ही मर जाऊँगा ऐसे तो, मुझे खाना खाना पड़ेगा सबसे पहले। अरे यार मैं पोकेमोन कुछ नहीं कर पा रहा यार, मुझे सही से खेलना चाहिए था, मुझे ब्रिस्टिंग को ये कहीं सही से खेलना चाहिए था यार, मैंने बेवकूफ़ी कर दी पहले। यार ये भी मर गया, अरे यार एक पोकेमोन मैंने सारे पोकेमोन को मार दिया। अब तू है इस पॉकेट, तू मारेगा, देख तुझे मारना है, ये मुझ पर अटैक करेगा, तू इस पर अटैक करे ना, तब तक मैं सब करने की कोशिश करता हूँ। 1.77 अभी तो 1.9 कुछ था, कम कैसे हो गया? सही में अभी 2% से बस थोड़ा कुछ कम था, कम हो गया यार। मैं मरने वाला हूँ यार, मैं मरने वाला हूँ, 60% ही 60 डैमेज यार, थोड़ा एचपी था इसने मारा, मैं मर गया शक यार। तो मैं अभी पोकेमोन चेंज कर देता हूँ, सारे पोकेमोन तो मर गए मेरे, तो इसको वापस रख देता हूँ। ये भी मर गया है पैंगोनेट, स्पार्कट भी मर गया है, इसे वापस रख देता हूँ, साथ में उनका तो है स्पार्कट यार। और ये हॉकेट्स भी मर चुका है, इसे वापस रख देता हूँ। बॉस पोकेमोन ने कुछ कर ही नहीं पाया, और अभी मेरे पास ये
ब्रिस्टिंगा है, ये सत्यांग उनके ब्रिस्टिंगा। तो गाइस मैंने नए पोकेमोन लेनी है जो जो काम आ सकती हैं मेरे, तो मैं जाऊंगा उसी को मारने, क्योंकि हो सकता है उसकी एचपी अभी भी कम हो सकता है ना। अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया, ये तो कुछ ज़्यादा काम किए, ये तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया यहाँ पर इसने। देखो सब इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, मुझे अच्छे खासे एडो भी मिलेंगे, तो एडो भी मिलेंगे ना संवारने के लिए, मेरे पास एडो भी ख़त्म होने वाले थे ना। तो यहाँ पर सही काम तो करो यार, ये सब बना भी दे अच्छे गोल्ड कॉइन भी। सबसे ज़्यादा इसमें काम आ रहा है मुझे एडो और ये पैंक्स पे, पैंक्स पे बनाने में दिक्कत होती है ना वैसे, यहाँ से फट भी मंग जाता है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस, ये रहा मेरा सारा सामान, तो वापस मिल चुका है मुझे। तो कहाँ गया वो, ये फ्री अगेंस के साथ लग गया गाइस, उसकी एचपी वैसी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसे पकड़ूँगा जाके, उसकी एचपी वैसी कम है, फ्री अगेंस के साथ मरने के चक्कर में इसकी एचपी कम होगी, मैं सोच रहा हूँ उसे जाकर पकड़ूँगा ना। तो देख मैं पोकेमोन तो भेज गया, मगर किसी और को ना मार दिया वो उल्टा मुझे मान गए। तू देख मेरा पोकेमोन, तू जा बस, तू इसे मार, तू मेरा पोकेमोन है ना, बात मान गया इस, तो इसे मार दे यार। तुझे मारना है रॉबिन को, तुझे मारना है रॉबिन को, तू मारेगा रॉबिन को। अरे यार रॉबिन को बेटर स्पेयर, वो मैं मेगा स्पेयर से ही पकड़ सकता हूँ शायद। मैं आओ डिफीट कर गया गाइंस को, तो इसे मारना क्या है वो बेवकूफ़ आदमी, मैंने इसे भेजा। अबे भाई क्या ही ताकतवर अटैक किया मेरे पोकेमोन ने, ये तो वो हाथी अटैक करता है ना ऐसा अटैक, यार ऐसा अटैक तो हाथी करता है ना, इसने कैसे कर दिया ऐसा अटैक। ये रहा मैं ऐसे मेगा स्फीयर से ही पकड़ सकता हूँ शायद, ये तो बड़ा अच्छा अटैक कर गया यार, ऐसा तो हाथियों का अटैक करता है। चलो यार बस इसके एचपी कम होने ही वाला है, बहुत एचपी कम तो हो गया इसका, अब बस पकड़ में आ जाए यार। अभी ब्रिस्टिंगा का भी एचपी बहुत कम है, मार ब्रिस्टिंगा मार दे, थोड़ा और मार दे बस आ जाएगा, 2% है अभी, आजा 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 10% 10 आजा यार। मेरे पास अब मेगा स्पेयर भी ख़त्म हो गया यार, मैं क्या करूँ यार, ये तो गलत बात है, अब पता नहीं इससे आएगा नहीं आएगा ये ब्रिस्टिंगा। देख पूरा मत मारियो, देख मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी नहीं यार मैं पोकेमोन बर्बाद हो जाएगा। अरे यार नहीं ब्रिस्टिंगा देख पूरा मत मारियो, अरे यार आजा ब्रो, अरे भैया आजा। अरे यार गाइस पता नहीं क्या होगा, ये आ रहा है नहीं, मेरा दिमाग ख़राब करेगा, और ये वैसे मार मार कर चला जाऊँगा यहाँ से। आजा बंदे, ऐसा अटैक करेगा तो ये तो मर जाएगी ब्रिस्टिंगा, ऐसा अटैक करेगी तो ये तो मर जाएगा। अब आप इन कोई भैया देख मैं तो इतना कर रहा हूँ, तू आ ही मेरा बस पता मुझे बस, आगे आगे आजा 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 3% 3 आ। अरे यार आ ही गया था, बस बस मर मत जी, मर मत जी, बस मर मत जी, 3% आजा 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 कितवा कितवा आजा आजा, हाँ 25 25 26 आजा आजा। ओ गाइस आ गया रॉबिन क्विंग यार, इतनी दिक्कत के बाद आया यार ये पोकेमोन, सही में यार बहुत मेहनत में गई सब पकड़ने में, आखिरकार आ गया। तो गाइस पंगे तक आता होगी ये सोचा, तो कल सुबह दिखाऊंगा कितना मस्त पोकेमोन है रॉबिन क्विंग। तो गाइस सुबह हो चुकी है और ये रहा मेरा रॉबिन क्विंग, इसमें तभी दिखाता हूँ मैं कितना मस्त पोकेमोन है यार ये। और मैं ये भी, ये जो मेरे पास है ना बैगिस्टा, ये भी 23 एवं की है, कोई कम एवं की नहीं है बैगिस्टा भी, ये भी 23 एवं की है। और मैं रॉबिन क्विंग कितने का है मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये तो 23 एवं की है बैगिस्टा, 12 की हो गई वैसे, और मैं रॉबिन क्विंग 25 एवं का है, ज़्यादा फर्क नहीं है रॉबिन क्विंग और बैगिस्टा पे। तो ये रहा वो रॉबिन क्विंग, अभी दिखाता हूँ बाहर निकाल के, ये रहा देखो, तो ये रहा भाई क्या ही मस्त होगी मन है ना, 25 एवं का। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगा चिंगेट को पकड़ने, वो तो गैडिंग एवं की, उसे तो पकड़ेंगे आराम से। तो अब एग इनक्यूबेटर भी बनाना है, उसे पकड़ने के बाद मुझे पॉइंट मिलेगा ना, तो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर जाऊँगा मैं चिंगेट को पकड़ने। और ये रहा मेरा मेरी मिस्टा, इसने बहुत मदद किया है पकड़ने, अब मुझे अपने एवं बढ़ाना होगा जल्दी से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि इनका इनकी एवं मेरे एवं की वजह से कम हो रहा है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक नहीं करना तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।